त्योहारों में मीठे के साथ कुछ नमकीन हो जाए तो बात बन जाए, है ना? तो फिर आज हम ऐसे ही मज़ेदार और क्रिस्प लेयर्ड मछली या फिर परत वाली मछली बनाकर तैयार करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं स्मिता आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ऑथेंटिक आहार में। लेयर मछली या फिर परत वाली मछली के लिए बहुत कम सामानों की आवश्यकता पड़ती है जो आपको आपके किचन में मिल जाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मैंने यहाँ एक कप मैदा ले लिया है, साथ ही हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून सूजी ले लेंगे। मैंने 1/2 टीस्पून अजवाइन ले लिया है, इसे हाथों के बीच मसल कर डाल देंगे। 1/2 टीस्पून मैं यहाँ पर जीरा ले रही हूँ, जिसे मैंने थोड़ा कूट लिया था, इसे डाल देंगे। नमक हम डाल देंगे स्वाद के अनुसार या फिर 1/2 टीस्पून। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। अब हमें इन सारे सामानों को अच्छी तरह से मैदे के साथ मिला लेना है। हाथों के बीच मसलते हुए अच्छी तरह से तेल को मैदे के साथ मिला लें। अब थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एक सेमी हार्ड डो बना के तैयार करेंगे। याद रखें, यहाँ पर हमें डो को सॉफ्ट नहीं बनाना है, थोड़ा सा हार्ड रखेंगे। देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो चुका है। अब मैं आपको दिखाती हूँ आपको इसी तरह बनाना है। इसे अब मैं 15 मिनट के लिए ढक के छोड़ दूँगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च ले लिया है, इसमें मैं 2 टेबलस्पून रिफाइन ऑयल डाल रही हूँ। हमें इसे अच्छी तरह से मिला लेना है और ये हम इस्तेमाल करेंगे जब हम मछली को बनाएंगे। आपको अच्छी तरह से मिला लेना है। देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है। चलिए, अब 15 मिनट हो चुके हैं तो मैं आपको डो को निकाल के दिखाती हूँ। देखिए, थोड़ी सॉफ्ट हो गई है। इसे 1 मिनट थोड़ा सा ऐसे चला लेंगे और इसके 4 इक्वल पोर्शंस काट लेंगे। हम एक पोर्शन को रखेंगे और बाकियों को ढक के रख देंगे ताकि वो सूखे ना। इसमें से एक कोला ले लेंगे और उसमें थोड़ा सा मैदा छिड़केंगे या फिर मैदे में डाल कर इसे अच्छी तरह से हम रोटी की तरह बेल लेंगे। देखिए, आपको इसे ज़्यादा मोटा नहीं रखना है, थोड़ा सा पतला करना है, तो इसे घुमाते हुए अच्छी तरह से आपको बेल लेना है। देखिए, कुछ इस तरह से आप इसे जितना पतला बेलेंगे आपकी लेयर उतनी ही पतली आएगी। देखिए, अब यहाँ पे हमने जो कॉर्नस्टार्च का सॉल्यूशन बनाया था उसे हमें अच्छी तरह से चारों तरफ लगा लेना है इसके ऊपर। देखिए, कुछ इस तरह से। और अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे, कुछ इस तरह। ऐसा करेंगे तो लेयर अच्छी तरह से आएगी। अब हम इसके एक साइड को बीच तक ला के फोल्ड कर देंगे और अच्छी तरह दबाते हुए इसे फोल्ड करेंगे ताकि इसके बीच कोई हवा ना रहे। अब हम बाकी की दोनों साइड्स को भी बीचों बीच लाते हुए फोल्ड कर लेंगे। देखिए, एक एनवलप की तरह, जैसे कि हम मुगला पराठा बनाते हैं। और थोड़ा सा मैदा छिड़क कर फिर से इसे पतला पतला बेल लेंगे। आपको इसे घुमाते हुए हर तरफ से बेल लेना है ताकि कोई भी पोर्शन मोटा ना रहे। देखिए, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से इसे पतला करते हुए बेल लें। फिर से इसे थोड़ा पलट लेंगे और फिर से बेल लेंगे। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च का जो सॉल्यूशन है उसे लगा लूँगी और यहाँ पर फिर से हम थोड़ा सा मैदा छिड़क देंगे। पर इस बार हमें फोल्ड सिर्फ 2 ही करना है, एक लेयर के ऊपर दूसरा। देखिए, कुछ इस तरह से अच्छी तरह से दबा लें और अब हम इसे लंबाई में बेलेंगे। पहले हम इसे लंबाई में बेलेंगे थोड़ा थोड़ा करके, फिर इसे चौड़ाई में बेलेंगे। देखिए, कुछ इस तरह से, लेकिन इसे पतला करना है। अब आप इसे एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से या फिर छुरी की मदद से आपको जितनी मोटी चाहिए उतनी मोटी मछली काट लीजिए। देखिए, मैंने इसे इतना पतला वाला पोर्शंस में काट लिया है। इस तरह से हम सारे पोर्शंस को काट के अलग कर लेंगे। मैं आपको एक का लेयर दिखाती हूँ। देखिए, कितनी अच्छी लेयर बनकर आई है। जब ये तेल में जाएगी तो और अच्छे से इसका लेयर निखर के आएगा। दूसरी तरफ मैंने तेल को मीडियम फ्लेम पर गर्म होने के लिए रखा था। अब हम जब तेल गर्म हो जाएगा उसमें एक एक करके मछली को डालेंगे, एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर। एक साथ ना डालें, नहीं तो ये खराब हो जाएंगे। अब इसे 2 से 3 मिनट ऐसे ही छोड़ देंगे तेल में, जब तक कि इसके लेयर अच्छी तरह से नहीं दिखने लग जाते। उसके बाद ही हम इसे पलटेंगे। देखिए, अब इसके लेयर अच्छी तरह से दिख रहे हैं,
तो अब हम इसे हल्के हाथों से पलट लेंगे। याद रखें, मैंने गैस का फ्लेम मीडियम ही रखा है। आप अगर मीडियम फ्लेम पर तलेंगे तभी आपके सारे नमकीन कुरकुरी बनेगी। आपको इसे तेल में तब तक पकाना है जब तक ये दोनों तरफ से लाइट गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते। देखिए, इसे ज़्यादा ना पकाएं, नहीं तो ये कड़वी हो जाएगी। अब ये ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है तो इसे मैं तेल से निकाल रही हूँ। आपको भी इसी स्टेज पे इसे तेल से निकाल लेना है। ऐसे ही आपको सारी मछलियों को काट के और फिर मीडियम फ्लेम पर तल लेना है, और जब ये गोल्डन ब्राउन के हो जाएंगे तब आप इसे तेल से निकाल लें और इसे प्लेट पर रख लें और इसे अच्छी तरह से ठंडा कर लें। ये कितनी अच्छी लेयर आई है आप देख लीजिए, और इसे अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। और ये कितने क्रिस्पी बने हैं ये दिखाने के लिए आपको एक तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, उम्मीद है आपको इसकी आवाज़ आई होगी कितनी क्रिस्पी बनी है। आप एक बार इसे बना लें और कई दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं और चाय के साथ खा सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं कि कैसी बनी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, नई वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं ऐसी ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।